हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी। आज हम बात करेंगे साइबॉर्ग गर्ल के बारे में एंड IMDb पे इसकी रेटिंग मिली है 6.9 out of 10। आशा करता हूँ कि आप कोरोना से सेफ हैं। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। साइबॉर्ग गर्ल एक बहुत ही अमेजिंग साउथ कोरियन लव स्टोरी है जिसे हमारे फैमिली मेम्बर राजुशी दे ने रिकमेंड किया है। मूवी स्टार्ट होती है एंड हम जीरो को देखते हैं। जीरो हर साल अपना बर्थडे अकेले ही मनाता है। आज उसका बर्थडे था एंड आज इसकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। आज इसके लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है। जीरो मॉल में नोटिस करता है कि उसे एक लड़की जिसका नाम हारूना है उसे बहुत देर से देख रही थी। पहले तो जीरो बहुत खुश होता है लेकिन इवेंचुअली हारूना का इतना ज़्यादा उसकी ओर घूरता देख वो डर जाता है। जीरो जब डिनर करने एक रेस्टोरेंट जा रहा होता है उसे रास्ते में फिर से हारूना मिल जाती है एंड वो जल्दी जल्दी से रेस्टोरेंट में चला जाता है। अपने बर्थडे में जीरो हर साल की तरह इस साल भी स्पगेटी मंगाता है एंड उसे खाना शुरू करता है। तभी हारूना भी उसकी टेबल पर आ जाती है एंड ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती है। जीरो से वो कहती है कि आज उसका भी बर्थडे है। हारूना को इतना सारा खाना देख हीरो शॉक हो जाता है कि इतनी सुंदर और पतली लड़की इतना खाना कैसे खा सकती है। बिलाने पर जीरो का दिमाग ख़राब हो जाता है एंड हारूना से ज़बरदस्ती इंसिस्ट करती है कि बिल वो आज खुद पे करेगी एंड उसे बाहर भेज देती है। जीरो रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा था कि हारूना जल्दी आकर जीरो से भागने को कहती है एंड उनके पीछे होटल का मैनेजर भी पड़ा हुआ था। इससे हीरो को पता चल जाता है कि हारूना ने बिल नहीं दिया था। ये दोनों भागते भागते एक फेस्टिवल में पहुंचते हैं जहां पर ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। फेस्टिवल से ये दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हारूना उदास होकर रोने लगती है। वो जीरो से कहती है कि इसी जगह पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक बार किस किया था बिना उसकी परमिशन के। उसे छोड़ चुका था क्योंकि उसके हिसाब से हारूना बहुत खाती है एंड पागल से थी। हारूना जीरो से पूछती है कि क्या वो सचमुच में पागल है। अब जीरो को इस पर क्या बोलना है उसे समझ नहीं आता। हारूना इसके बाद जीरो से आंख बंद करने को कहती है ताकि उसे जाते हुए ना देख पाए और जीरो को एक छोटी क्यूट गिफ्ट डॉल देती है। जीरो भी उसे एक सुंदर सी गिफ्ट देता है लेकिन जाने से पहले हारूना जीरो से एक सीक्रेट बताती है कि वो फ्यूचर से 100 साल पहले आई थी। जीरो आंख बंद किए हुए अभी भी वहीं खड़ा था लेकिन हारूना के इस बात पे उसे कोई शौक नहीं लगता, बल्कि वो तो आज बहुत खुश था क्योंकि सालों बाद उसे अपने बर्थडे पर इतनी खुशी मिली थी। और फिर वो जब आँख खोलता है उसे हारूना कहीं भी नहीं मिलती। इसी के साथ पूरे एक साल बीत जाते हैं एंड अब साल है 2008 का। जीरो इस साल भी अपने बर्थडे पे सोच रहा था कि आज अगर उसे हारूना मिल जाती तो कितना अच्छा होता। शहर में कहीं आसमान में बिजली गिरती है एंड हारूना को धरती पर आते देखते हैं। यहाँ से पहले वो एक कपड़े दुकान में जाती है एंड फिर एक केक की दुकान में, लेकिन इस बार उसकी हरकतें रूड थी जो कि पिछली हारूना से थोड़ी अलग रहती है। जीरो इस साल भी अपने बर्थडे पर उसी रेस्टोरेंट में बैठे स्पेगेटी खा रहा था एंड हारूना यहाँ आकर जीरो को बर्थडे विश करती है। जीरो हारूना को देखकर बहुत खुश हो जाता है लेकिन अचानक से एक गनलिया आदमी रेस्टोरेंट पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ नुकसान पहुँचा सके हारूना फुर्ती से उसे एक झटका देकर बाहर फेंक देती है। फिर ये दोनों यहाँ से घर जाते हैं जहाँ पर हारूना अपनी आँखों से एक वीडियो प्रोजेक्ट करती है। जीरो ये देख कर शॉक हो जाता है क्योंकि वीडियो में वो अपनी फ्यूचर यानी कि फ्यूचर जीरो जो कि 65 साल का था वो उसे देखता है। फ्यूचर का जीरो उसे बताता है कि हारूना एक साइबॉर्ग यानी कि रोबोट है जिसे उसने खुद बनाया था। उसने उसे पास्ट में भेजा था आज के हमले से बचाने के लिए। वो जीरो को एक वार्निंग भी देता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए वो हारूना की मदद से उससे बचे। अब जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है कि हारूना एक साइबॉर्ग है जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसमें इमोशंस ला पाए एंड रिकॉर्डिंग इसी के साथ एंड हो जाती है। हारूना जीरो से कहती है कि भले वो एक साइबॉर्ग है लेकिन वो इंसानों की हर काम कर सकती है। तभी जीरो उससे कहता है कि क्या उसके साथ सेक्स कर सकती है। इस बात पर हारूना नाराज़ हो जाती है और जीरो को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है। जीरो अब नहाने चला जाता है एंड हारूना उसके लिए खाना बना रही थी। उसे समझ नहीं आता कि उसके लिए क्या बनाएं एंड तभी जीरो का पेट कैमिलियन उसे मिलता है जिसे वो कुक कर देती है। जीरो आज खाना बहुत टेस्टी होने की कॉम्प्लीमेंट देता है लेकिन जैसे उसे उसके पेट का सर दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरे दिन जीरो कॉलेज जा रहा था जहां रास्ते में उसे उसका दोस्त केंटा मिलता है। केंटा उससे कहता है कि जल्दी भागो वरना हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा। ये सुनने पर हारूना जीरो को उठाकर कॉलेज की ओर भागती है। केंटा जब क्लास आता है वो इन दोनों को उससे पहला पहुँचते देख सोच में पड़ जाता है। लंच के दौरान केंटा हारूना से फ्लर्ट करता है जिस पर हारूना उसे इतना जोर का चांटा मारती है कि वो दूसरी टेबल पर पहुंच जाता है। शाम को ये तीनों मिलकर पार्टी करते हैं एंड हारूना यहाँ पर शराब पी लेती है और जिसके वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जीरो उसे यहाँ से भगा लेता है ताकि किसी को भी पता न चले कि वो एक साइबॉर्ग है। नेक्स्ट डे हम जीरो को उसके पार्ट टाइम जॉब पर देखते हैं जहाँ पर हारूना भी बैठी हुई थी। शॉप के बाहर एक बच्चे के एक्सीडेंट होने वाली थी लेकिन हारूना उसे बचा लेती है। इसमें हारूना के सैंडल्स टूट जाती हैं इसलिए जीरो उसे एक नई ड्रेस और सैंडल दिला देता है।
जिसके बाद ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं। धीरे धीरे हारना के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी। सुबह जब जीरो उठता है तो हारना के चेहरे पर राख लगी हुई देखता है जिसे वो साफ कर रही थी। तभी टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि एक बच्चों की फुटबॉल कैंप में आग लगी थी एंड बच्चों का मानना ये था कि किसी एंजल ने आकर उन्हें बचाया था जो कि हारना ही थी। हारना जीरो से कहती है कि आज उसे जीरो का होम टाउन देखना है। जीरो उदास सा हो जाता है एंड उसे कहता है कि उसका होम टाउन बहुत पहले ही अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था। हारना कहती है कि तुम मरने से पहले इस बात का बहुत अफसोस कर रहे थे। जीरो अपने मरने की बात सुनकर बच्चों जैसा रोने लगता है। फिर ये दोनों मिलकर जीरो के होम टाउन जाते हैं। यहाँ जीरो बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि बचपन में यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। वो यहाँ पर अपने बचपन में छिपा हुआ एक बॉक्स निकालता है जिसमें उसके बचपन की बहुत सारी यादें थी। जीरो को ऐसा देखकर हारना बहुत खुश हो जाती है। रात में हारना जीरो से कहती है कि उसकी ग्रैंड मदर ही दरअसल उसकी रियल मदर थी एंड क्योंकि उसकी बर्थ बहुत लेट हुई थी दुनिया से छिपाने के लिए उसकी मदर ने उससे झूठ कहा था। अगली सुबह टीवी पर न्यूज़ आ रहा था अबाउट अ हॉस्टेज सिचुएशन जिसमें एक पागल आदमी स्कूल के बच्चों को बंदी बनाया हुआ था। हारना जल्दी से वहाँ पर पहुँचकर उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। हारना का स्पीड इतना था कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। जीरो देखकर बहुत खुश हो जाता है, इसलिए हारना जब घर वापस आती है तो उससे जोर से गले लगा लेता है। हारना जीरो से कहती है कि सब वो जो भी कर रही थी उसने फ्यूचर में भेजने से पहले उससे करने को कहा था। अब जीरो हारना के लिए अपनी बढ़ती हुई फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसे किस कर लेता है। किस करने पर भी हारना कोई रिएक्शन नहीं देती जिससे जीरो बहुत ही उदास हो जाता है और रात में सोचता है कि क्यों हारना को उसके लिए फीलिंग्स नहीं आ रही। हारना ही उसकी ज़िंदगी में इकलौती खुशी थी। दूसरे दिन जीरो एक क्लब जाता है और लड़कियों के साथ डांस करता है ताकि हारना को उसके लिए जेलसी आए, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जीरो क्लब के बाहर एक लड़की को लेकर जाता है जिससे वो हारना को जलाने के लिए किस कर लेता है। किस से तो हारना को कोई जलन होती नहीं बल्कि उल्टा जीरो को थप्पड़ पड़ जाती है उस लड़की से। इस पर हारना उस लड़की को आसमान में फेंक देती है क्योंकि उसका काम था जीरो को प्रोटेक्ट करना। अब जीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हारना से कहता है कि मैं तुम्हें और पसंद नहीं करता, मेरा पीछा मत करो, तुम यहीं रुको, बिल्कुल मत हिलना। सुबह जब जीरो का नशा हटता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसे याद आता है कि हारना से उसकी पहली मुलाकात में जब वो रोती हुई उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत कर रही थी वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि जीरो ही था। वो खुद था, उसी ने रूडली उसे वहाँ से भगा दिया। अब केंटा जीरो के घर आता है और उससे पूछता है कि हारना कहाँ है। तो केंटा से कहता है कि हारना अब नहीं आने वाली, वो जा चुकी थी। हारना के जाने पर जीरो की लाइफ अब फिर से बहुत बोर हो जाती है। शाम को जब जीरो काम से वापस आता है उसे अपने घर में उसके बचपन की पालतू बिल्ली मिलती है एंड इससे पता चल जाता है कि हारना उसके आसपास ही है जिसपे वो बहुत खुश हो जाता है। हारना ने ही वक्त में पीछे जाकर उसकी पालतू बिल्ली को यहाँ पर लाया था। जीरो जब कैट को खाना खिलाने के लिए नेक्स्ट डे ढूंढ रहा है सडनली उसका घर शेक करने लगता है। खिड़की के बाहर वो देखता है कि आसपास की सारे बिल्डिंग्स अर्थक्वेक से नीचे गिर रही थी। जीरो का घर भी टूट जाता है लेकिन हारना यहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। जीरो हारना का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी, उसके बिना बिल्कुल खुश नहीं था। हारना जीरो को लेकर यहाँ से उसे बचाने के लिए भागती है लेकिन रास्ते में एक ट्रक हारना को टक्कर मार देती है और जीरो पर एक बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन हारना उसे बचा लेती है जिसमें वो बिल्डिंग के नीचे आ जाती है। तभी जीरो को नीचे की ज़मीन खिसक जाती है एंड वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आने की कोशिश करता है। हारना जो कि आधी बिल्डिंग में दबी हुई थी वो खुद को आधे हिस्से में टुकड़े कर लेती है एंड जीरो को बचाने के लिए उसके ओर रेंगते हुए आगे जाती है। जीरो को बचाने के बाद हारना एक मुस्कान के साथ कहती है कि जीरो अब तुम्हें खुद ही यहाँ से आगे जाना होगा, मैं अब तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जिस पर जीरो कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। हारना कहती है कि मैं जानती हूँ जीरो, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, मैं भी अब तुम्हारे दिल को महसूस कर सकती हूँ। पीछे से एक और बड़ी बिल्डिंग इन पर गिरने वाली थी इसलिए हारना जीरो को हवा में दूर उछाल देती है जिससे वो बच जाता है, लेकिन हारना बिल्डिंग के नीचे आ जाती है। जीरो अपनी जी जान लगाकर हारना को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। जीरो को हारना मिल तो जाती है लेकिन उसे बचा नहीं पाता, उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। हारना को भी उसकी फीलिंग समझ आ गई थी लेकिन वो उसके साथ नहीं थी। फिर वक्त बीत जाता है और जीरो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था लेकिन इन सारे सालों में उसने हारना को ठीक कर दिया है। जीरो इस पर खुश था लेकिन हारना में इमोशन फिर से गायब थे इसलिए उसे कहीं ना कहीं दुख भी था। फ्यूचर में हारना और जीरो बहुत ही पॉपुलर रहते हैं एंड म्यूजियम में उनकी एक स्टैचू भी बनी हुई थी। म्यूजियम में स्टैचू के पास हारना जैसी हूबहू सेम इंसानी लड़की थी जो स्टैचू को देख रही थी। अगले सीन में हम हारना की बिडिंग होते देखते हैं जिसमें लोग उसकी याददाश्त को खरीदने में पैसा लगा रहे होते हैं। यहाँ पर वही उसके जैसे हूबहू दिखने वाली लड़की उसके फादर की मदद से उसे खरीद लेती है एंड फिर वो साइबर हारना की सारी यादें और फीलिंग्स को अपने अंदर ले लेती है।
अब ये भी उसका एक हिस्सा बन जाती हैं एंड वो यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। जिसे लेने के बाद वो वक्त में वापस जाती है जीरो के पास, उसी पहले सीन में जब जीरो को हारना मिली थी। वो जीरो के साथ हर एक पल को महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी फ्यूचर में वापस लौट आएगी। और हारना वापस फ्यूचर में लौट आती है और जीरो फिर से अकेला पड़ जाता है। लेकिन मूवी के एंड में हम हारुना को फ्यूचर से उसके लिए वापस आते देखते हैं एंड मूवी की यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।